लगता है इस बार बारिश अच्छी होगी। हमको अपना खेत बुआई कर लेना चाहिए। पर यार पैसे कहाँ से लेके आए? चलो सेठ जी से पैसे लेके आते हैं। सेठ जी। हाँ भाई, कौन है? मैं हूँ गबरू। हाँ गबरू, आ जा अंदर, आ जा भाई, गेट खुला है। आ गया मुर्गा। राम सेठ जी। राम गबरू, आ जा बैठ जा, आ जा, आ जा। और गबरू आज किस काम से है? सेठ जी, खेती बाड़ी करनी थी और इसलिए पैसे चाहिए, बीज बीज लाने हैं और फसल के लिए, इसलिए आया हूँ। हाँ हाँ बोल, कितने चाहिए? जितने चाहिए उतने ले जा, लेकिन लेकिन तुझे अपना एक नियम तो पता ही है, अगर पैसे चाहिए तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जी लेके आया हूँ ना, खेत के कागज लेके आया हूँ मैं। हाँ भाई ला दे दे। और बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? 20,000। हाँ हाँ ले ले, अभी लाता हूँ। ये ले भाई गबरू, 20,000। ये सेठ जी, मैं ये पैसे जल्दी लौटा दूंगा और अपने कागज लेके चल जाऊंगा, ठीक है? देख गबरू, अपने पैसे का ब्याज लगता है, तुझे पता है ना? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे पता है। इस बार है ना फसल अच्छी हुई है, इसलिए फसल बेच के सेठ को रुपए दे के आता हूँ। राम राम सेठ जी। राम राम गबरू, आ भाई बैठ। ये लो सेठ जी, 20,000 रुपए ब्याज सहित मेरे खेत के कागज वापस ले। ठीक है भाई गबरू, ठीक है, तूने पैसे लौटा दिए, मैं तेरे खेत के कागज कहीं रखे हुए हैं, कल ढूंढ के दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, कल आता हूँ। लो दो कागज भाई गबरू, मैं मुझे कल बहुत काम था तो वो तेरे कागज है ना ढूंढ नहीं पाया, आज ढूंढ के कल पक्का दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, कल आऊंगा। दे दो कागज। जो यार मैं तेरे कागज तो है ना उल्टे हाथ से कहीं रख के भूल गया हूँ, और मुझे तो कही है कि उल्टे हाथ से रखी हुई चीज मिलती नहीं है, खो जाती है, मैं ढूंढूंगा फिर से। तो फिर मैं क्या करूँ अब? एक दो दिन में आना, मैं ढूंढता हूँ वापस। सेठ जी मैं आता हूँ एक दो दिन में, ठीक है? अरे भाई जी कागज दे दो उसको, कागज कहाँ है? सच्ची में गुम हो गए हैं क्या? नहीं रे गोपी, कागज तो हमारे गद्दी के नीचे ही रहता है, वो खेत लाखों का है। तो ये बात है। राम राम जग्गू भाई। हाँ भाई गबरू, हाँ भैया। क्या हुआ गबरू, ऐसे क्यों बैठा है? क्या बताऊँ यार, वो सेठ है ना, उसने मेरे साथ बहुत गंदा किया है, मैं जो कागजात है ना खेत के वो हड़प के बैठ गया, दे नहीं रहा, मैंने उसको रुपए दे दिए फिर भी नहीं दे रहा ऐसी। अच्छा ये बात है, तू टेंशन ना ले गबरू, अब कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि उस सेठ से कागज लेके भी आएंगे और उसको सबक भी सिखाएंगे। क्या सबक सिखाओगे, कैसे सिखाओगे? वो सेठ बहुत छंट है, तेरे को पता नहीं है। चलो ठीक है भाई, कुछ ऐसा करो जैसे मेरे कागज वापस आ जाए। गबरू भाई तू टेंशन मत ले, देख मैं क्या क्या करता हूँ। Oh shit! Oh shit!
ये रहा जग्गू। क्यों भाई जग्गू, तूने मेरे भाई को क्यों मारा? अरे भाई मैंने कब मारा तुझे, मैंने तो किसी को नहीं मारा। नहीं इसने मेरे को मारा था, ये झूठ बोल रहा है। हो सकता है मैंने उल्टे हाथ से मारा तो मुझे याद नहीं है। देख जग्गू भाई आइंदा से ध्यान रखना, मेरे भाई को मत मारना। जग्गू ने तुझे फिर से मारा? हाँ। रुक, आज उससे अच्छी तरह से बात करता हूँ। ये रहा जग्गू, इसने फिर से मेरे को मारा है। क्यों भाई जग्गू, तू फिर से मारा इसको? नहीं 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 मैंने नहीं मारा, मुझे याद नहीं है, मैंने उल्टे हाथ से मारा होगा तो मैं भूल गया। अच्छा तूने मारा और तुझे याद भी नहीं है, ऐसे कैसे भूल सकता है तू? जैसे मैं उल्टे हाथ से भूल जाता हूँ सेठ जी, वैसे ही आप किसी का कागज उल्टे हाथ से रखकर भूल जाते हैं। सॉरी भाई जग्गू, तूने मुझे सबक सिखा दिया, अच्छी सीख दी, आइंदा मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अरे सेठ जी आप बड़े आदमी हो, आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, उसके कागज उसको वापस लौटा दो। मैं उस गबरू के कागज उसे वापस अभी करके आता हूँ। अरे सेठ जी आप, ये ले भाई गबरू, तेरे कागज लेके आया था, मुझसे गलती हो गई। धन्यवाद दामू भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तो राम राम भाइयों, ये वीडियो हमारा छोटा सा कॉमेडी वीडियो था, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम भाई भाई को छोटा सा वीडियो था कॉमेडी, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।